टेस्ट लाइफ में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। देखते हैं दोस्तों कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, नंबर एक रासायनिक संयोजन अभिक्रिया। नंबर एक संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया किसे कहा जाता है? तो इस प्रकार की अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एक एकल का निर्माण करते हैं, रासायनिक संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। यानी संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, एक एकल का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे जैसे कार्बन यानी सी प्लस ओ टू सी ओ टू यानी कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर के एक नया कंपाउंड बनाते हैं जिसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कार्बन का एक अणु और ऑक्सीजन के दो अणु आपस में मिलकर के एक नया कंपाउंड बनाते हैं जिसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। आगे देखते हैं 2H2 यानी चार हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करने के पश्चात जल यानी 2H2O का निर्माण करती हैं, जल के दो अणुओं का निर्माण करती हैं, इसको बोलते हैं रासायनिक संयोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया के बारे में नंबर दो रासायनिक वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया किसे कहा जाता है? इस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। यानी रासायनिक वियोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक टूटकर एक अलग अलग यानी दो एक से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे जैसे CaCO3 CaCO3 और ऊष्मा की उपस्थिति में रिएक्शन होने के पश्चात में CaO प्लस CO2 यानी CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट ऊष्मा की उपस्थिति में अभिक्रिया करने के पश्चात एक CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। देखते हैं दोस्तों ये अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है, यानी रासायनिक वियोजन अभिक्रिया है। नंबर एक ऊष्मीय वियोजन। इस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारक का ऊष्मा द्वारा वियोजन होता है। यानी ऐसी अभिक्रियाएं जो बिना ऊष्मा की उपस्थिति के संपन्न नहीं होती हैं वियोजन अभिक्रिया कहलाती हैं। जैसे 2FeO4 यानी फेरस सल्फेट ऊष्मा की उपस्थिति में रिएक्शन, यानी एक पदार्थ यानी एक अभिकारक टूटकर अन्य अन्य भागों में यानी अन्य अन्य प्रकार के उत्पाद का निर्माण करता है, रासायनिक वियोजन अभिक्रिया कही जाती है। और ऐसी अभिक्रियाएं जो ऊष्मा की उपस्थिति में संपन्न होती हैं ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती हैं। आगे देखते हैं वैद्युत वियोजन अभिक्रिया। इस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारक को विद्युत द्वारा वियोजित किया जाता है। यानी ऐसी अभिक्रियाएं जो विद्युत धारा की उपस्थिति में संपन्न होती हैं वैद्युत वियोजन अभिक्रिया कहलाती हैं। जैसे 2H2O यानी जल और उपस्थिति होती है वैद्युत धारा, यानी वैद्युत धारा की उपस्थिति में जल अभिक्रिया करता है तो 2H2 यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग चले जाते हैं। यानी देखते हैं कि हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो हाइड्रोजन H2 प्लस O2 यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में मिलकर के नया कंपाउंड बनाते हैं जिसको बोला जाता है 2H2O यानी जल के दो अणुओं का निर्माण करते हैं। अगर इसको हम विद्युत धारा की उपस्थिति में आपस में रिएक्शन कराते हैं 2H2O की जल की तो पुनः स्थिति यही आ जाती है, यानी हाइड्रोजन अलग निकल जाता है और ऑक्सीजन अलग निकल जाती है। आगे देखते हैं नंबर तीन प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन ऐसी अभिक्रियाएं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती हैं प्रकाशीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे AgCl यानी AgCl सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन होने के पश्चात में Ag सिल्वर अलग निकल जाता है और क्लोराइड अलग निकल जाती है, यानी क्लोरीन गैस होती है वो अलग निकल जाती है और Ag यानी सिल्वर अलग निकल जाता है। नंबर दो एग्जांपल देखते हैं AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन करने के पश्चात में Ag सिल्वर अलग निकल जाती है। Ag को चांदी भी बोला जाता है दोस्तों, तो Ag अलग निकल जाती है और Cl2 यानी कैल्शियम अलग निकल जाता है। तो ये अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश में संपन्न होती हैं। इस प्रकार की अभिक्रियाओं को प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है।